तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज मैं एक छोटे से राइड पे जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने जितना प्यार और जितना सपोर्ट किया ना मुझे भाई, उसके लिए दिल से सैल्यूट है भाई आप लोगों को। क्योंकि यार असल में बात यह है कि हमारी जो है फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है और वो कल आई थी और मैं आज निकल गया हूँ, तो आपको पता है मुझे किस चीज़ की मेन ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मुझे जो चाहिए था ना, वो चाहिए था अपना माइक अडेप्टर। तो जो पेमेंट आई है उसका भी मैं हिसाब बताऊंगा आपको, कितनी पेमेंट मेरे को मतलब आई है अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो में बने रहेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और जाते ही वीडियो को लाइक करके जाना। फ़िलहाल यहाँ पर सैनिटाइज का माहौल है थोड़ा सा, होए कैमरे पे आके थोड़ा हाथ लगा देता हूँ, भाई गीला हो गया बिल्कुल। तो भाई दिल्ली के अंदर सैनिटाइज मशीन स्टार्ट है भाई, अभी तक लो मेरे ग्लास, भाई ग्लास पे भी थोड़ा सा फुहारा टाइप का आ चुका है पानी। तो कैमरे को साफ़ करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है। तो आई होप कैमरा सही हो गया होगा यार। तो हम बात करते हैं अपनी, पहले तो पेमेंट की नहीं, पहले बात करूँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई आज मैं चांदनी चौक मार्केट निकल चुका हूँ, रास्ते में वो भी सीलमपुर कहा जाएगा, ये सास्ते पारा कह सकते हो इस जगह को, सास्ते पारा के साथ ये। तो अब होता क्या है कि यार मुझे सबसे पहले जो ज़रूरत थी ना, मतलब जिससे मैं वीडियो बनाने मुझे इजी रहेगा, जिससे मैं वीडियो अच्छे प्रॉपर तरीके से बना पाऊँगा, तो उसी के लिए मैं आज निकला हूँ, ठीक है। पेमेंट की बात करी जाए तो पेमेंट कुछ ज़्यादा खास तो आई नहीं है मेरे लिए, बट ये है कि यार मेरा काम हो जाएगा, इतनी पेमेंट आई है, ठीक है। अब पेमेंट का हिसाब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पिछले 6 महीने से पेमेंट रुकी हुई थी, जिससे मेरे $100 कंप्लीट नहीं हुए थे, तो इसके चक्कर में ना हर महीने डिले होता जा रहा था। बट अब क्या है, मेरी पेमेंट आ गई, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यार सबसे पहले तो जो मैं मतलब आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, तो उन लोगों को दिक्कत ना हो ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आते हैं कि यार आप लोग, आपकी जो वॉइस है ना वो खाली आपकी ज़्यादा आती है, आप जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले बंदे से, जैसे मैं हेल्प वगैरह जिसकी भी करता हूँ, तो उनकी थोड़ी कम आती है, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप लोगों को पता ही, मेरे पास माइक अडैप्टर नहीं है, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करके ऑडियो और कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करके जब मैं मैच करके डालता हूँ आप लोगों को ये कंटेंट, ठीक है दोस्तों। तो चांदनी चौक जा रहे हैं, रास्ते में बस थोड़ा सा दूर रह चुका है, मतलब जो लोहे वाला पुल है ना वो आ चुका, मतलब आ ही गया लगभग। और जिस बंदे ने जो बाहर से है ना, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो बाहर से हैं, जो बाहर से बंदे देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं अभी दिखाता हूँ कि जिसने नहीं देखा अपना लोहे वाला दिल्ली का ब्रिज, तो आज मैं दिखा रहा हूँ। देखो ऊपर चल रही ट्रेन, ठीक है, ये देख लो भाई, और नीचे हमारा जाएगा रोड वाला रास्ता। तो देखो लाइव है, बिल्कुल सही से दिखा दे रहा हूँ। ये नीचे का रास्ता हो जाता है रोड का, ऊपर से धड़ धड़ की आवाज़ आ रही है, शायद माइक में ना आ पाएगी क्योंकि माइक तो मेरे हेलमेट के अंदर है ना। तो भाई देखो ऐसी कुछ दिल्ली का जो लोहे वाला ब्रिज कहा जाता है, तो वो ऐसा है कुछ। और इधर भी एक रोड है, वो आने के लिए है इधर से लेफ्ट साइड जाने के लिए। ऊपर ट्रेन का भी सेम पोजिशन है, ट्रेन का भी इधर से जाने का होता है, उधर से आने का होता है, कभी कभी इधर से भी आने का हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये देख लो एक बार यार, जिसने नहीं देखा, ठीक है, और जिस भाई ने देखा यार आप भी एक बार और देख लो, क्या दिक्कत है, घर बैठे तो देख लो। सो चलो पेमेंट के हिसाब किताब बताऊंगा अभी बाद में, पहले मैं अपना सामान ले लूँ। तो गाइज हम आ चुके हैं चांदनी चौक कैमरा मार्केट में, पीछे देख रहे हो ये सारी कैमरा मार्केट है, बाकी लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को अंदर की साइड। और मेरा ये जो गोप्रो है, हीरो 5 है, ये गोप्रो हीरो 5 है, इसका हमें एक तो केस लेना है, एक लेना हमें इसका माइक अडेप्टर और मेमोरी कार्ड वगैरह लेने, तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं। सो गाइज मैं आया हूँ वरुण भाई की शॉप पर, और यहाँ पर ही से मैंने एक माइक अडेप्टर, जो अभी मैं प्राइस खोलूँगा बाद में, फिलहाल आप देख लो, यहाँ से ये मैंने लिया है, एक यूलान जी का केस लिया है, और अभी सेटअप करेंगे घर पे जाके, और भैया थोड़े बहुत डिस्काउंट करवाते हैं अभी यार, क्योंकि जो रेट बोला था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। पीछे से मैंने सामान लिया, वहाँ पर भीड़ भड़ाका कुछ ज़्यादा था, इस चक्कर में बाहर आके और यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब चलते हैं सीधा घर, और घर पे फिर उसको अनबॉक्सिंग वगैरह करके दिखाते हैं कि कैसा सेटअप मेरा बना है। यहाँ पर एक सीन हो रहा है, जैसे आप अगर जो भाई चांद चांदनी चौक मार्केट आते हैं ना, कैमरा मार्केट, तो यहाँ पर एक बंदे को ज़रूर साथ में लाना, जैसे मैं इस भाई को लाया था साथ में, इसलिए ताकि अपनी गाड़ी को मतलब देखभाल करते रहे, देखते रहें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या, जैसे गाड़ी आप देख रहे हैं ना खड़ी है, तो अभी वो आते हैं क्रेन में उठाने वाले, क्या बोलते हैं यार उनको,
वो तो नहीं, इधर से आप निकल जाओगे। तो ऐसा है, ये अंकल जी भी थोड़ा डर रहे हैं, इनको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर खड़ी करनी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलेसी बहुत गंदा वाला होता है, अकेले नहीं आना कभी भी, आप कोई भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो भाई हमने तो सामान ले लिया, और सामान लेके तो निकलते हैं हम, क्योंकि यार टाइम तो ज़्यादा हो ही गया। लाल किला हो जाता है यहाँ पर, मेला भी लग रहा है, देखो यहाँ से दिख रही होगी लाइटिंग वगैरह। अभी नहीं, आगे से दिखाता हूँ, ये गाड़ी वाला दिख नहीं देगा लग रहा है। ये देखो काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रहा है इस टाइम, मतलब ये जो शाम का टाइम है ना, यहाँ मज़ा ही आ जाता होगा यार। बट हम तो दूर से आए हुए हैं तो हमें मज़ा नहीं आने वाला भाई, हमें मज़ा आता बाइक राइड करने में, पहाड़ों में ऐसे चीज़ में इंटरेस्टिंग है ही नहीं। नहीं हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम पंचर वाले हैं, हम पंचर वाले हैं, सही बता रहा हूँ। नहीं मजाक नहीं, नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली। अरे नहीं हूँ तो मजाक लग रहा है क्या? मैं पंचर लगा तो मैं भी, विश्वास कर। ये रहा रॉयल MS बाइकर, देख अगर जो यूट्यूबर होते तो बड़े बड़े पैसे वाले होते ना वो, मैं 50 रुपये का तेल डलवाऊंगा, बता मैं कहाँ का यूट्यूबर हूँ, हूँ कहीं है नहीं, आधा लीटर तेल डलवाऊंगा मैं। हाँ तो मुझे पता है ना 60 का है, तो बता यूट्यूबर कोई 60 का तेल डलवाते हैं, टंकी फुल रखते हैं ना वो। तो इधर है, देख इधर रस्से दिखेगा। अरे यूट्यूबर 50 का तेल डलवाएंगे, वो तो टंकी फुल रखते हैं, ये तो सोच। चल डाल दे जल्दी फटाफट यार। हाँ चल डाल दे बाबू, डाल दे यार जल्दी से फटाफट। हाँ, थोड़ा सा लोकल से पेट्रोल मिल जाता है यहाँ पर हमारे लोनी के अंदर, तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर, मतलब मुझे तो बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यार हाँ गुरु जी हमें पता है 60 का है, 60 का है, 60 का है, हमें बार बार कहने की क्या ज़रूरत है, मगर मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, राइडर भी नहीं हूँ। राइडर तो सब होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं वो राइडर होते हैं। नहीं राइडर तो सब होते हैं ना, मेरा ये रहा रॉयल MS बाइक कर देगी। हाँ वो रॉयल हिंदी में ही है वो। हिंदी में क्या होगा, एक पिंचर वाले हैं, ये थोड़ा सा पेट्रोल भी रखते हैं, वो इसलिए है कि यार अगर यहाँ से हमारे लोनी में कोई पेट्रोल पंप नहीं है ना, तो काफ़ी दूर दूर है, इस चक्कर में क्या होता है कि यार लोकल से थोड़ा बहुत मतलब सहारा मिल जाता है, और समझ रहे हो ना, या लोकल पेट्रोल से ये फ़ायदा होता है कि हाँ भाई अपना अगर जो आपके पास पंप तक जाने के लिए नहीं, तो पैदल नहीं खींच सकता बंदा, ये है। हाँ कोई बात नहीं, 2 रुपये कम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ पर एक मार्केट है, तो उस मार्केट से मुझे एक छोटा माइक लेना, बस उसके बाद में मुझे लगता है कि रात ही हो जाएगी, तो मैं व्लॉग कहाँ से बना पाऊँगा भाई आप लोगों के लिए, तो आप लोग समझदार ही हो, मैंने वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। पकड़ता हूँ मैं अभी जाके, ये बहुत अच्छा किया।